दोस्तों, अगर आप अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो और उसके साथ लंबे टाइम तक करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा, क्योंकि एक एक्टिव बॉडी ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और एक्टिव रहने का सबसे इजी तरीका है एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपको उन्हें दिन में बस 10 मिनट निकाल कर करना है। जब आप इन एक्सरसाइजेस को करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी टाइमिंग धीरे धीरे बस कुछ हफ्तों में ही बहुत बढ़ जाएगी और आप अपनी बीवी को खुश कर पाओगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। सबसे पहले आपको इस तरह अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है ताकि आपके नीचे के एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके और यहाँ नीचे की मसल्स तक अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंच सके। दोस्तों, जब आपकी नीचे वाली मसल्स में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचेगी तो आपकी नीचे वाली मसल ग्रो होंगी और उनमें स्ट्रेंथ आएगी। और मैं ये जानता हूँ कि आप पहली बार में अपनी टांगों को आप पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, पर आप जितना कर सकते हो उतना स्ट्रेच जरूर करना। और दोस्तों, धीरे धीरे टांगों को पूरा स्ट्रेच करना, एकदम से स्ट्रेच बिल्कुल मत करना। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स। देखिए, जब एक पुरुष पुशअप्स करता है तो उसकी मसल्स बिल्ड होती हैं, और मसल्स जब बिल्ड होती है जब पुरुष की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, तो इसलिए ही आप पुशअप्स के 10 रेपिटेशन के 4 सेट्स जरूर परफॉर्म करना। और दोस्तों, ये तो स्टडीज ने भी प्रूफ कर दिया है कि पुशअप्स करने से पुरुष की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कई गुना तक बढ़ जाते हैं। पुशअप्स के बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है बर्पीस, जो आपको कुछ इस तरह परफॉर्म करनी होती है। बर्पीस 3 एक्सरसाइज का मिक्सचर है, पहला पुशअप्स, दूसरा सिटअप और तीसरा जंप। और ये एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को ट्रेन करती है। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बस बर्पीस ही परफॉर्म कर लें, क्योंकि बर्पीस से आपको स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइम बिस्तर पर कई गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, आप बर्पीस के भी 10 रेपिटेशन के 4 सेट्स परफॉर्म कर सकते हो।